हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले उड़द की छिलके वाली दाल। काले उड़द की दाल बनाने के लिए मैं यहाँ पर काले उड़द की दाल ली है 200 ग्राम, जिसे मैंने साफ कर लिया और इसे साफ पानी से 2 बार धो लिया है। 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है, जिसे टुकड़ों में काट लिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 चुटकी हींग ली है। 2 चम्मच सरसों का ऑयल लिया है। 1 छोटा प्याज लिया है, जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला लिया है। 1 चम्मच नमक लिया है स्वाद अनुसार। 3 हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने लंबी सेव में काट लिया है, ये देखिए। 2 सूखी हुई लाल मिर्च ली है। 1/2 कप हरा धनिया लिया है। 10 से 20 कली लहसुन की ली है। दाल में, उड़द की दाल में लहसुन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर 10 से 20 कली लहसुन के लिए आप अपने इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। चलिए दाल बनाना हम शुरू करते हैं। दाल को प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर पानी यूज किया है। इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और ये कटा हुआ टमाटर। इसमें हम 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे, ताकि दाल हमारी जल्दी बन जाएगी। इस तरह हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन हमने बंद कर दिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन हो गई है। अब इसे हम 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। हमारी बता देंगे दाल हमारी बनी है या नहीं। ये देखिए दाल हमारी बन गई है। दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। को हमने गरम होने के लिए रख दिया है। भगोना हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गरम होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, ये देखिए इसमें से धुआं उठ रहा है। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और ये सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इनको अच्छे से भूनेंगे। लहसुन हमारा भून के तैयार भी हो रहा है। थोड़ा थोड़ा प्याज हमारा कच्चा रह गया है, प्याज को भून देंगे और ये मिर्च है ना, मिर्च को भी भून के तैयार करेंगे। ये देखिए प्याज, लहसुन और मिर्च हमारी भून के तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। कुकर में तड़का लगा देंगे इस तरह, ये देखिए, और इसको अच्छे से हम चलाएंगे। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। हरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। काले उड़द की छिलके वाली दाल हमारी बनके तैयार है। दाल में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। हमें ज़रूर बताइएगा हमारी काले उड़द की छिलके वाली दाल कैसी बनी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।